हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान, शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया। देखिए हर जुमा की रात 10 बजे हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान, शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया की मुख्तलिफ मौजूदात पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू सिर्फ 26 न्यूज़ HD पर। कोई भी मुआशरा वो मकानात, जमीन, बिल्डिंग्स, इनका हामिल नहीं होता। ये इंसान की जरूरियात के लिए हैं। मुआशरा अज खुद जो तश्कील होता है वो इंसानों से होता है, अफराद से होता है। फिर उस मुआशरे का इनहिसार हकूक व फराइज की एक तकसीम होती है। अब जब आप हकूक और फराइज की बात करेंगे तो उसमें बैलेंस, और बैलेंस का नाम जब आप लेंगे तो आपको लफ्ज इंसाफ याद आए। कोई दुनिया हो, ममालिक हो, मुल्क हो, मुल्क के अंदर आप तकसीम करते करते घर तक ले आए, सबसे जो अहम चीज है वो इंसाफ का होना है। इंसाफ होगा आपकी मईशत में भी इंसाफ जाएगा, आपके मुआशरती मामलात में भी इंसाफ जाएगा, आपके बाहमी तालाकात में भी इंसाफ जाएगा। वो इंसाफ का फुकदान जो हमारे मुआशरे में है, मैं समझता हूँ वो सबसे अहम नुकता है हमारे वतन अजीज की बेहतरी के लिए भी उसकी ज़रूरत है। और इंडिविजुअल्स जो परेशान हाल होते हैं लोग, वो भी इसीलिए, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि वो इस माशरे से या अपने मुल्क से या अपने इदारों से या अपनी एफर्ट के बाद या अपनी एफर्ट की कमज़ोरी, उस सारे में भी ज़रूरत पड़ती है इंसाफ की, निज़ाम की। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुक्ता है हमारे माशरे का या जो बीमारी है वो इंसाफ का न होना, और जो हल है वो इंसाफ का होना।